यूपी में रिश्वत मांगने वालों की अब खैर नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाली यूपी की योगी सरकार ने अब सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि रिश्वत मांगने वालों की पूरी संपत्ति जब्त करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने कहा, अगर कोई अधिकारी किसी काम के बदले उनसे घूस मांगता है तो उसके खिलाफ विधायक, सांसद या सीएम हेल्पलाइन या फिर IGRS में शिकायत जरूर दर्ज कराएं। उन्होंने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकारों में रिश्वतखोरी चरम पर थी। उनके कार्यकाल में 100 में से 85 रुपए घुसखोरों की जेब में जाते थे। देशभर में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों के जनधन खाते खुलवाएं ताकि लाभार्थियों को मिलने वाली पूरी राशि सीधे उनके खाते में पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बात उस वक्त कही जब गोरखपुर में वे 5 जिलों के पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे। लाभार्थियों से बातचीत के दौरान सीएम ने योजना का लाभ देने के लिए घूस मांगे जाने पर शिकायत करने की बात कही।